नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन जी आरती में। दोस्तों, अन्नपूर्णा पूजा की आरती के विषय में आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा है कि माँ अन्नपूर्णा की आरती में किन किन वस्तुओं के माध्यम से आरती करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, आरती की अगर विधि मैं कहूँ तो आरती में वैसे तो धूप दीप ही मूल जो है वो होता है, उसके साथ साथ व्यंजन करना होता है, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये गर्मी का एक प्रकार से जो है समय शुरू हो गया है, तो इसमें आप दाल वृंत या चांबड़ से अगर व्यंजन करते हैं आरती के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मूल रूप से अगर मैं शॉर्ट में कहूँ यानी कि संक्षिप्तता से कहूँ तो उसमें जो है आप धूप यानी धुनची धूप, पंचदीपक और जो चामर या फिर ताल वृंत का पंखे या फिर किसी भी प्रकार के जो भी पंखे जो है आपके प्रदेश में इस्तेमाल होता है उससे जो है आप माँ को व्यंजन करके प्रणिपात अवश्य करिए। उसके साथ स्तब पाठ कर पाते तो और भी अच्छा होता है। स्तब जो है आप प्रणिपात के बाद भी बैठ कर सकते हैं। तो ये हो गया धुनची धूप दीपक और जो है चामरिया पर पंखे से जो है आरती करना। पंच निराजन पद्धति से आरती कर रहे हैं तो उसमें आप जो है धुनची धूप से आरती करिए, उसके साथ जो है पंचदीपक से आरती करिए, उसके बाद अर्घ पात्र यानी कि जलपूर्ण शंख जो होगा उससे आप आरती करिए, उसके बाद पुष्प से आरती करिए, चांबर से आरती करिए, इससे ही जो है आप पंच आरती कर सकते। कई लोग जो है अर्घ पात्र यानी कि शंख में ही जो है पुष्प बेलपत्र आदि से जल भरे शंख में ही वो रखकर जो है आरती करते, उसके बाद वस्त्र से आरती करते, उसके बाद व्यंजन जो है वो करते। तो उस प्रकार से भी किया जा सकता है। अगर जो है आप पूर्ण अर्घ पात्र में फूल आदि लेकर करते, अलग से आप फूल आदि ना लेकर करके वहां पर वस्त्र और फिर जो है चामर से आप आरती कर सकते हैं। अब सप्त आरती के माध्यम से अगर आप जो है आरती करते हैं तो उसमें जैसे कि सबसे पहले आ जाता है पंचदीप, नहीं धुनची धूप जो है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद जो है पंचदीपक होगा, उसके बाद जो है अर्घ पात्र यानी कि जो कि जलपूर्ण शंख है उससे आप आरती करेगा, उसके बाद जो है धुले हुए वस्त्र से आरती करेगा, उसके बाद जो है पुष्प से आरती करेगा, उसके बाद चामर से आरती करेगा, उसके बाद जो है ताल वृंत के पंखे से जो है आप आरती करेगा। कई लोग कपूर आरती करते हैं, वैसे धूप आरती करने पर कपूर आरती ज़रूरी नहीं होता है, पर अगर आप कपूर आरती करना चाहते हैं तो आप धुनची धूप पंचदीपक के बाद जो है आप कपूर आरती कर सकते हैं। अष्टमी का दिन है तो आठ वस्तु के साथ अगर आरती करते हैं तो मैं यहाँ पर कपूर आरती के साथ ही आपको बता देता हूँ। तो उसमें जो है आप धुनची धूप से आरती करिए, उसके बाद जो है आप पंचदीपक से आरती करिए, उसके बाद जो है आप कपूर से आरती करिए, उसके बाद जो है आप जलपूर्ण शंख से आरती करिए, वस्त्र से आरती करिए, उसके बाद जो है आप पुष्प से आरती करिए, उसके बाद जो है चामर से आरती करिए, चामर या फिर आम के पत्ते वगैरह ये सब कुछ मिल जाते हैं ना, उसे भी चामर की तरह जो है इस्तेमाल करके आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद ताल वृंत पंखे या फिर कोई भी पंखे आपके वहाँ पर मिलते हैं पारंपरिक तौर पर, उसे लेकर जो है आप आरती कर सकते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की इस प्रकार से अगर आप ऐसे आठ चीज़ों से जो है आरती करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। कई लोग कुमकुम आदि यानी कि सिंदूर आदि दिखाते हुए भी जो है वो आरती करते, तो ये हर जगह का अपने अपने एक नियम होता है। जैसे कि दक्षिण के तरफ मैंने एक जो आरती देखा था ये एक्चुअली कोंकण क्षेत्र और दक्षिण के कई जगह पर होता है। जैसे कि सबसे पहले जो है 11 दीपक की आरती, उसके बाद 9 दीपक की आरती, उसके बाद 7 दीपक के पहले धुनची धूप से ही आरती होती है, मतलब धूप से ही आरती होती है, उसके बाद जो है 11 दीपक की आरती, उसके बाद जो ये दीप आराधना ही होता है मूल रूप से, धूप आराधना ही दीप आराधना कहा जाता है वहाँ पर आरती को। तो उसमें जो है धूप के बाद ऐसे 11 दीपक, 7 दीपक, 9 दीपक, 11 दीपक, 9 दीपक, 7 दीपक, 5 दीपक और फिर जो है थाली में दीपक रखकर जो है आरती की जाती है। तो ये दीप आराधना ही होता है दक्षिण के। तो एक भाई ने मुझसे पूछा था कि तो क्या दादा साउथ की तरह जो है हम आरती कर सकते हैं माँ की? तो हाँ बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अगर आपके पास इतने सारे दीपकों की व्यवस्था है, मेरे पास तो इतने सारे दीपकों की व्यवस्था नहीं है तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा शायद, पर अगर आप इस तरह की दीपकों की व्यवस्था कर पाते यानी कि अगर दो भी कर पाते, मान लीजिए कि आप जो है सप्तदीपक के पंचदीपक की आप व्यवस्था कर पाते और उसके साथ जो है आप थाली में ही जो है आप पांच दीपक जलाकर जो है उससे भी आरती कर सकते या कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते, तो उससे भी किया ही जा सकता है। जो दीप आराधना धूप आराधना की जो दक्षिण की तरह की जो विधि है उस तरह से आप आरती कर सकते। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप जो है ना दक्षिण के जो आरती की पद्धति है उसे आप एक बार बता दीजिए। तो एक्चुअली कई वीडियोस है आप मतलब जो डायरेक्ट जो मंदिरों की जो आरती दिखाए जाते वो अगर आप लोग एक बार देख लेते तो वो आप लोगों के लिए समझना
आसान होता है। उसके साथ साथ मैं तो आप लोगों को बता ही दूंगा आगे चलकर जो है इस बारे में, वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दे दूंगा। पर ऐसे कुछ वीडियोस भी एक्चुअली क्या होता है, देखिए दोस्तों विषय ये होता है कि मैं यहाँ पर कभी किसी को ये नहीं कहता कि आपको जो सिर्फ जो है यहाँ पर ही देखना है, यहाँ पर यही देखना है। मैं सारी चीज़ें मैं बता तो दूंगा आपको, पर आप अगर उसे समझना चाहते हैं, देखिए करने के लिए ना उस विषय को आपके लोग जिस तरीके से कर रहे हैं उसे एक बार या दो बार देखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे जो है उस विषय के ऊपर एक क्लियरिटी आती है। तो यही जो होता है दोस्तों, आप जो है इस प्रकार के कुछ वीडियो वगैरह अगर हो सके तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो है मैं तो बता ही दूंगा इसके बारे में, जो डिटेल्स विषय है उसके बारे में मैं तो बता ही दूंगा आप लोगों को। तो इसी प्रकार से जो है माँ की आरती होगी, और मतलब जिस भी प्रकार से आपको आरती करना है आप उस प्रकार से जो है आप आरती कर सकते हैं माँ की, किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है इसमें नहीं होगी। जिस प्रकार से जिसकी जो भाव है वो उसी तरीके से जो है ना आरती करे। आरती में किसी प्रकार के ऐसे नहीं कहा जा सकता किसी को कि आपको इसी प्रकार से ही करना है, या अब मतलब आपको पंच निराजन ही करना है, आपको सप्त निराजन ही करना है, आपको जो है इस प्रकार से मतलब वो दक्षिण की तरह ही इस प्रकार से ही करना है। तो आरती अपने अपने हर किसी के भाव होते हैं। मैं तो ज़्यादातर जो है धुनजी धूप और पंचदीपक या सप्तदीपक से समय लेकर मतलब उस उन दोनों चीज़ों को लेकर समय लेकर आरती करना पसंद करता, और उसके साथ व्यजन आरती। ये मेरा अपना अगर व्यक्तिगत मत आप जानना चाहे कि व्यक्तिगत तौर पे आप जो है किस प्रकार से आरती करना चाहेंगे माँ की, तो विषय यह मेरे तो पसंद के विषय यही होगा। अन्नपूर्णा पूजा की दिन जो है वो अष्टमी है, तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा में आप अगर 8 भागों में आरती कर पाते तो बहुत अच्छा है, वरना आपको जिस प्रकार से करना है आप केवल धुनजी धूप पंचदीपक और व्यजन से करिए। केवल धुनजी धूप पंचदीपक और प्रणिपात से भी किया जा सकता है, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगता है आप उस प्रकार से करिए। माँ के केवल दुर्गाष्टमी के पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी ये विधि जो है वो आप कर सकते हैं। पर ज़्यादातर क्योंकि आप लोगों ने मुझे अन्नपूर्णा पूजा के आरती के बारे में पूछा है, तो हाँ अन्नपूर्णा पूजा की आरती यहाँ पर यही होगा। अब यहाँ पर जो है कई लोग मुझे कुछ ऐसे सवाल करते कि क्या शिवजी भी है, तो शिवजी की भी वहाँ पर आरती होगी। तो देखिए भगवान शिव तो माँ के साथ ही वहाँ विराजमान है, तो आप अगर माँ की आरती कर रहे हैं तो उस मतलब शिवा की आरती करते तो शिव को मिल जाते, शिव जी की आरती करते तो शिवा को मिल जाता है। तो माँ अन्नपूर्णा की अगर आप पूर्ण आरती कर रहे हैं तो भगवान शिव को भी मिल ही रहा है। अलग से जो है ना मतलब वहाँ पर विराज है तो अलग से जो है उनके मुख पर एक बार, इनके मुख पर एक बार, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर पूर्ण आरती जो है जिनके मूल पूजा हो रही है उनके ही आप अगर आप करते हैं तो उनके साथ विराजित जो भी अंग देवता, जो भी सारे देवता उनके साथ होते हैं उन्हें भी जो है वो आरती मिल ही जाता है। तो जिनके मूल पूजा हम कर रहे हैं उनके ही जो है मूल रूप से आरती की जाएगी, जिनके हम मूल पूजा कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि दुर्गाष्टमी के दिन अगर माँ दुर्गा की हम मूल पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर माँ की ही मूल रूप से आरती होगी, और अन्नपूर्णा पूजा के दिन क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की हम मूल रूप से पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर माँ की ही मूल रूप से आरती होगी। मूल आरती जो है जिनकी कलश स्थापना करके हम पूजन करते हैं उनकी ही होती है, उनके अंग देवता और उनके साथ जो भी सारे देवी देवता होते हैं उन्हें उसी प्रकार से जो है आरती मिल जाता है दोस्तों। उसके लिए अलग से कुछ दिखाने की, अलग से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है आरती को लेकर आप लोग, और हाँ जो मंत्र है मतलब जो निवेदन के मंत्र है, जो दीपक आदि एक्चुअली जो है, देखिए जिस प्रकार से जो भी अधुनची धूप पहले आपको शोधन करना होगा, गंध पुष्प से पूजन करना होगा, उसके बाद अधिपति देवाय श्री विष्णवे नमः बोलना होगा, उसके बाद जो है माँ को आपको समर्पण करना होगा, उसके बाद जो धूप मंत्र है वनस्पति रसो दिव्य या दीप के जो मंत्र है वो आपको बोलना होगा, और उसे बोलते हुए जो है फिर से आपको निवेदन कर देना है, माँ को समर्पण कर तो उससे आरती करना है, और जो धूप मंत्र है उसे बोलते हुए या पर माँ के मंत्र को बोलते हुए या पर जो है अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देही च पार्वती, ये बोलते हुए भी जो है आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो विधि हर जगह पर एक ही होता है, आरती की शोधन होगा, गंध पुष्प से पूजन होगा, अधिपति देवाय श्री विष्णु को श्री हरि विष्णु को जो है साक्षी माना जाएगा, उसके बाद माता को समर्पण किया जाएगा, धूप मंत्र उच्चारित होगा, माँ को पूर्णता से निवेदन करके उस वस्तु को दिखाया जाएगा यानी कि उससे आरती की जाएगी। तो नियम हर जगह पर एक ही है, ये नियम जो है किसी जगह पर कोई बदलता नहीं है। तो इसके जो मंत्र हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, उससे आप लोगों को समझने में
आसानी होगी। तो अन्नपूर्णा पूजा के आरती के विषय में आप लोगों का ये जो सवाल था, मुझे लगता है अब जो है इस विषय में आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से माँ की आरती करना है शुक्ल अष्टमी के दिन। तो दोस्तों इस बारे में अगर आप लोगों का फिर भी कोई सवाल है तो मुझे जो है कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और आप लोग अगर किसी अपने अपने तरीके से आरती के आप लोगों की कोई विधान है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।